हेलो फ्रेंड्स, कोरोना की संगुल में दिल्ली टीम, फिजियो के बाद एक प्लेयर भी पॉजिटिव, अब आगे क्या होगा जाने पूरी अपडेट इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2022 सीजन में कोरोना की एंट्री से फैंस के बीच हड़बड़ी मच गई है। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाइट पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, अब एक विदेशी प्लेयर के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है। ऐसे में दिल्ली टीम को मुंबई के होटल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। टीम के सभी खिलाड़ियों को RT-PCR टेस्ट नेगेटिव निकला है। BCCI अब एक और टेस्ट कराएगी। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स को अगला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 अप्रैल को पुणे में खेलना था। इसके लिए दिल्ली टीम को 18 अप्रैल को ही पुणे के लिए रवाना होना था, लेकिन अब पूरी टीम क्वारंटाइन है। पॉजिटिव हुए खिलाड़ियों की RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसी हालत में क्या मैच टलेगा या टूर्नामेंट रद्द होगा, इन तमाम चीज़ों के बीच फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि यदि सच में कोई एक या एक से ज़्यादा खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए तो क्या होगा। क्या सिर्फ दिल्ली टीम का मैच टाला जाएगा या फिर पूरी IPL सीजन रद्द करी जाएगी। बता दें कि इस सीजन से पहले ही BCCI ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। बोर्ड ने कुछ नियम बनाए थे, अब इस स्थिति से भी उस नियमों का मुताबिक ही निपटा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है ये नियम और क्या हो सकते हैं आगे। कोई एक खिलाड़ी या स्टाफ संक्रमित हुआ तब नियम के मुताबिक यदि कोई एक खिलाड़ी या स्टाफ संक्रमित हुआ तो उस स्थिति में उस पॉजिटिव व्यक्ति को 7 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजा जाएगा। इसके दौरान 6ठे और 7वें मैच RT-PCR टेस्ट होगा। दोनों टेस्ट में नेगेटिव आने पर ही टीम साथ बायो बबल में एंट्री दी जाएगी। एंट्री से पहले तब भी देखा जाएगा कि पिछले 24 घंटों में उनके कोई लक्षण तो नहीं है या उसमें कोई मेडिसिन तो नहीं ली। यदि कोरोना के कई मामले सामने आए तब क्या होगा। किसी एक मैच के लिए प्लेइंग 11 में कम से कम 7 भारतीय और ज़्यादा से ज़्यादा 4 विदेशी खिलाड़ी खेलने होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट भी होता है। इस तरह 12 प्लेयर की टीम मैच के लिए तैयार करते हैं। यदि कोरोना संक्रमण के कारण किसी टीम का यह बैलेंस बिगड़ता है तो स्थिति में मैच को रीशेड्यूल किया जाएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।